सोमवार को करनाल जिला में कोरोना के 33 केस सामने आए हैं। करनाल के जिला उपायुक्त ने कोविड-19 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को करनाल जिला में 33 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जो सुबह की रिपोर्ट में आए हैं। शाम की रिपोर्ट में अलग से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में 70% के करीब रिकवरी रेट है। उन्होंने जिलावासियों से कहा कि वह जरूरी कार्य के लिए ही बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने आप को निरंतर सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के दृष्टिगत प्रशासन सख्त है। जो व्यक्ति बिना मास्क के घर के बाहर निकलेगा, उसका 500 रुपये का चालान किया जाएगा। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की हो, वह तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे ताकि उसके स्वास्थ्य की जांच की जा सके, लक्षण पाए जाने पर कोविड-19 का टेस्ट किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जिन लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अस्पताल में रखने की बजाय नीलोखेड़ी के नजदीक स्थित गुरुकुल में स्थापित किया गया है। उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या रिकवरी रेट है सर? कोरोना के अभी तो सुबह तक 33 केसेज आ चुके हैं और ये हमारे RT-PCR मशीन का रिजल्ट है। उसके बाद एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट जनरली हमारे पास इवनिंग में आता है, तब तक कंपाइल करके टोटल फिगर हमारे पास आ पाएगी। जो रिकवरी रेट है वो जिले की काफ़ी अच्छी है, 70% के करीब पेशेंट्स अभी तक रिकवर कर चुके हैं और एक्टिव केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम होपफुल हैं कि लोग नियम कोरोना के प्रावधान हैं उनका भी पालन कर रहे हैं, तो होपफुल हैं कि जल्दी ही स्थिति जो है वो और नियंत्रण में आ जाएगी। साथ ही मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन दोनों चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अब जिले में और बल्कि पूरे हरियाणा में या पूरे देश में कोरोना के केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ दिनों से। तो अगर हमने इन दोनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हम कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।